हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन इन अडा फॉर आईक्यू। आज मैं आप लोग के सामने बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन, जो भी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं उस सारे में ये सारे ट्रिग्नोमेट्री जो मैं बताऊंगा सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मीन्स सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में तो गारंटी है कि सेम टू सेम आपको क्वेश्चन आते हैं और हमेशा आते हैं, इस बार भी आएंगे। तो इसी तरह क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज देखने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपके बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो लगातार पूछे जाते हैं, इस बार भी संभावना है, पूरा विश्वास है कि इस बार भी इसी ढंग का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या है कॉस थीटा बाई 1 माइनस टैन थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करना है क्या लाना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले टैन थीटा को साइन या कॉस में चेंज कर देना है। मीन्स इस बार जो क्वेश्चन रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का वो साइन और कॉस के बेस्ट पे ज्यादा रहेगा और बहुत ईजी रहेगा, साइन कॉस पे रहेगा और बहुत ज्यादा ईजी रहेगा, मेरा विश्वास कीजिए। तो जो मैं बोल रहा हूँ 100% रियल बोल रहा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसा ही क्या यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इस बार भी आएंगे। तो कॉस थीटा, सबसे पहले टैन थीटा को चेंज करेंगे, कॉस थीटा ये डिवाइड है तो मैंने डिवाइड दे दिया, आपको समझने में आसानी होगी, जो एवरेज बच्चे हैं जो मीडियम बच्चे हैं उसको समझने में आसानी होगी, इसलिए मैंने डिवाइड का साइन दिया इसके बदले। और क्या 1 माइनस टैन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अब चेंज कर देंगे टैन थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस के फॉर्म में, कॉस थीटा डिवाइड 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड 1 माइनस टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, मींस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सबसे पहले ब्रैकेट का काम हम लोग कर लेते हैं, तो एलसीएम नहीं तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड साइन थीटा, एलसीएम आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला कहाँ आएगा, नीचे आएगा, यही रूल है बचपन से पढ़े हैं, यही रूल है इसमें कोई चेंज नहीं है। साइन थीटा डिवाइड जब मल्टीप्लाई में आएगा चेंज तो ऊपर साइन थीटा जाएगा, नीचे क्या जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ऊपर मल्टीप्लाई किंतु क्या गया, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस ऊपर मल्टीप्लाई किंतु साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इधर भी, कॉस थीटा इधर भी, साइन थीटा इधर भी, साइन थीटा इधर है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वही ट्विस्ट को आपको याद रखना है, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, यहाँ तक आप बनाएंगे सही और थोड़ा सा गलती कर देंगे तो आपका नंबर एक नंबर कट भी सकता है, हाफ नंबर जो कट भी सकता है वो टीचर पर डिपेंड करेगा। हम हाफ भी नंबर आपका जाने नहीं देंगे, हम उसको पकड़ के रखेंगे और जाने नहीं देंगे, बस मेरे साथ बने रहिएगा, मैं छोटा छोटा सा चीज़ बताऊँगा जो आप एग्जामिनेशन में गलती करते हैं, हड़बड़ में गड़बड़ कर देते हैं। सो मेरे चैनल के साथ जुड़िए, जरूर जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। मैं चाहता हूँ आप बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे सारे स्टूडेंट जो वीडियो को देख रहे हैं वो बोर्ड में 80 out of 80 लाए, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो कर दीजिए और बस मेरा वीडियो देखिए, आपका मैं गारंटी देता हूँ बहुत अच्छा नंबर आएगा, आप उस नंबर को देख कर खुश हो जाइएगा। देखिए कॉस थीटा इधर भी, कॉस थीटा इधर भी, साइन थीटा इधर भी, साइन थीटा इधर, लेकिन साइन में चेंज है, यहाँ कॉस प्लस में है माइनस में है, साइन माइनस में है प्लस में, बस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस को बस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो इधर का तो साइन सेम ही रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई किए
तो इधर का साइन तो सेम ही रहेगा, लेकिन इधर का साइन बदल जाएगा, मीन्स साइन हो जाएगा माइनस में और कॉस हो जाएगा प्लस में। दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एलसीएम नहीं, एलसीएम आ गया, आप देखिए एलसीएम आ गया, दोनों सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे क्या हुआ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए दोनों सेम मिल रहा है, ऊपर ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, क्या बच गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसी ढंग से बोर्ड एग्जाम में बनाएगा, आपका 100% रिजल्ट आएगा, मीन्स 100% बेहतरीन रिजल्ट आएगा, किसी तरह का शक का गुंजाइश नहीं है, 100% रिजल्ट आएगा। बस इसी तरह से बनाइएगा, जहाँ मिस्टेक होता है वहाँ मैंने बता दिया, यहाँ मिस्टेक होता है इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट स्टार्टिंग से ठीक करते हैं, वहाँ मिस्टेक करते हैं, तो वहाँ पे जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वहाँ बस आपको ध्यान रखना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व, आपका मार्क्स बेहतरीन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा बाई टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या लाना है, तो टैन थीटा लाना है। ठीक, देखिए तो देखिए दोनों में साइन आ रहा है नजर, साइन इसमें भी है साइन इसमें भी है, तो साइन को मैंने कॉमन निकाल लिया, साइन थीटा कॉमन आ गया, क्या बचा, तो यहाँ वन बचा माइनस टू, एक साइन गया, यहाँ पर तीन साइन था, एक साइन को भेज दिए, एक साइन को बाहर भेज दिए, कॉमन निकाल दिए, मीन्स वहाँ पर दो साइन बचा, तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई, यहाँ देखिए कॉस का भी वही हालत है, यहाँ तीन कॉस है, यहाँ एक कॉस है, तो बाहर निकालते हैं एक कॉस, एक कॉस जो है दोनों में कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है एक कॉस, तो एक कॉस को बाहर निकालें तो यहाँ वन बच जाएगा, यहाँ पे तीन में से एक गया तो दो बच जाएगा, है ना, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, अब देखिए साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस टैन, साइन बाई कॉस टैन, याद में रखिए साइन बाई कॉस टैन थीटा, साइन बाई कॉस टैन थीटा। अब देखिए टैन थीटा आ गया, अब वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, देखिए अगर याद नहीं तो फिर देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रख, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, मेरे साथ बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो लिखिए भी कॉपी में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, अभी याद कीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक आइडेंटिटीज में, जो लगभग क्वेश्चन में इसका यूज आता है। ठीक है, देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जो कॉस को ए साइड भेजेंगे तो प्लस में, जब जाएगा राइट साइड तो हो जाएगा माइनस में, माइनस में होगा मीन्स अगर साइन स्क्वायर पूछेगा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर वहाँ पे जो पुट कर सकते हैं, अगर कॉस स्क्वायर पूछ दिया तो कॉस को ए साइड छोड़ देंगे, साइन घर जाएगा तो साइन जाएगा राइट साइड, इधर प्लस में राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक फॉर्मूला से मैंने तीन फॉर्मूला बना दिए, ये सारे फॉर्मूला का वीडियो मैं बहुत पहले मैंने बता दिया, फॉर्मूला का वीडियो बहुत अच्छे जो आपको याद हो जाएगा। सो अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं है और याद करना चाहते हैं ना, तो प्लेलिस्ट जाइएगा, प्लेलिस्ट जानते हैं क्या होता है, प्लेलिस्ट जाइएगा वहाँ पे देखिएगा, तो आपको फॉर्मूला बस एक बार देख लीजिए, आपको याद करने का जरूरत नहीं है, 100% याद हो जाएगा। सो याद करने का जरूरत नहीं है, बस एक बार वीडियो देखिए बस, और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, और अभी भी जो नहीं जुड़े हैं, अभी भी आप मार्क्स आप अच्छा बेहतरीन लाना चाहते हैं और अभी भी नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब दीजिए। क्लास 10th 2021 में बोर्ड एग्जाम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैं मार्क्स लाने की कोशिश करूँगा, मीन्स दो महीना बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छी तरह से, जिससे आपका बेहतरीन प्रदर्शन होगा रिजल्ट में, जो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सो मेरे साथ अभी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए तो यहाँ पे एक साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ साइन वहाँ पुट कर देते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिक्कत नहीं होना चाहिए।
और देखिए जो नीचे में क्या है, नीचे में कॉस तो हो गया टेन थीटा, ये टेन थीटा लिख दीजिए, इसी का है साइन बटा कॉस तो टेन थीटा, ठीक है। अब नीचे में क्या है, तो नीचे टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा इंटू वन माइनस, अब टू मल्टीप्लाई होगा इसके साथ माइनस टू, माइनस टू मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू, माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। अब देखिए टैन थीटा ऊपर बचा टैन थीटा, और दो में से गया तो एक एक, लेकिन माइनस में है, ठीक है, लेकिन एक है क्या, एक है माइनस में एक है, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, देखिए दोनों सेम आ गए, दोनों कैंसिल, क्या बचा, सिर बचा टैन थीटा, सिर बचा टैन थीटा, स्माइल के साथ आपका आंसर हाजिर। इसी तरह से आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व मैं कर दूंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, बस ये सारे क्वेश्चन जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा ना, वो सारे भी अगर जो कर लिए तो आपका 70+80 में 70+100% आएगा, मीन्स आपका बहुत आसानी से आ सकता है मार्क्स, तो उतना मेहनत क्यों करना, बस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और जो मैं बोलूँगा प्रैक्टिस जितना अवर करना है बस मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए, बस आपका 80 में 70 आ रहा है तो आपका ही फायदा है ना, ये 2 महीना बस आ रहा है तो आपका ही फायदा। अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की है बस मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए आप, और अभी इसे पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, जितना मैं प्रीवियस वीडियो बताया हूँ सभी वीडियो को जाके देखिए, बारी बारी से देखिए, आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम नहीं, तैयारी के लिए, तैयारी के लिए जो आप प्रिपरेशन करेंगे मेरे साथ उसके लिए मैंने ऑल द बेस्ट बोला, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, मैं 1 जून को एग्जाम है ना मैथ्स का, उसके मैं पहले एक दिन बोलूँगा। सो थैंक यू, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।